Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to discuss the keywords as well as question and answers of the chapter Changes Around Us. So number one is changes. अब changes क्या होता, हम लोग ने पढ़ा था जब इस chapter को हम लोग पढ़ रहे थे तो ये सारे terms आए थे. तो changes means किसी चीज़ में change होना, that means एक stage से वो दूसरे stage में change हो जा रहा है. लाइक बर्ड का फ्लावर में चेंज हो जाना, ठीक है, लीव का जो है सूख करके गिर जाना, तो ये सारे चेंजेस हैं. दैट मीन्स ऑल्टरनेटिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर आर कॉल्ड चेंजेस. ऑल राइट, देन नंबर टू इज कॉन्ट्रैक्शन. अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन साइज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. किसी का भी साइज डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना. अब जैसे कि बैलून को आप फुलाएंगे तो वो क्या हो गया, फुला रहे हैं तो वो एक्सपेंड हो गया, बढ़ गया. फिर जब आपने हवा निकाल दिया तो साइज उसका डिक्रीज हो गया, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट आया हमारा इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन क्या होता है, क्या होता है, ये हम लोग बहुत पढ़ते चले आ रहे हैं. इवेपोरेशन इवेपोरेशन इवेपोरेशन, ये टर्म बहुत बार आ चुका है, तो इस चैप्टर में भी एक बार फिर से आ रहा है. तो इवेपोरेशन मीन्स चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. यानी कि हीट करते समय वाटर का वेपर में चेंज हो जाने को हम बोलेंगे इवेपोरेशन. नाउ एक्सपेंशन, नंबर फोर इज एक्सपेंशन. अब एक्सपेंशन क्या होता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन. मतलब वो अपने साइज से इंक्रीज हो रहा है. जब आप बैलून फुला रहे हैं तो क्या हो रहा है, बैलून अपना साइज बढ़ा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो इंक्रीज इन साइज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन. नाउ नंबर फिफ्थ इज मेल्टिंग. मेल्टिंग भी आपने कई बार पढ़ा है, पढ़ते आ रहे हैं मेल्टिंग मेल्टिंग मेल्टिंग, तो इसमें भी मेल्टिंग है. तो मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. यानी कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने को हम मेल्टिंग कहते हैं. ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर वन, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉग्ड एरिया यू यूजली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाई फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स. बोला आप ऐसी जगह से जा रहे हैं जहाँ पर पानी पानी भरा है और आपने फुल आपने फुल लोअर पहन रखा है, और आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आप क्या करोगे, अपनी लोअर को ऊपर करोगे, शॉर्ट करोगे. तो इज इट पॉसिबल कि तो ये जो आपने जो अपना लोअर जो है आपने ऊपर किया है, तो क्या ये रिवर्स हो सकता है, यानी कि लोअर नीचे हो सकता है, तो ये कैसा चेंज है. तो यस, बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस दिस चेंज कैन बी रिवर्स. तो आपका आंसर क्या होगा, यस होगा, क्योंकि हम जब उसको अनफोल्ड करेंगे ड्रेस को तो फिर वो हमारा जो लोअर है वो लॉन्ग हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर टू, You accidentally drop your favorite toy and broke it. This is a change you did not want. Can this change be reversed? अब आपका एक फेवरेट टॉय वो एक्सीडेंटली नीचे गिर गिर के टूट गया, तो ये कौन सा चेंज है, रिवर्स है या इरिवर्सिबल है. तो आप क्या ये चेंज हो सकता है, सो योर आंसर इज नो, इट cannot be reversed, so it is an irreversible change. तो ये रिवर्स तो नहीं हो सकता ना, वापस टॉय में तो नहीं बन सकता है, तो ये जो हमारा चेंज है वो irreversible change है. क्वेश्चन नंबर थ्री, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट. तो हियर फ्यू चेंजेस आर गिवन एंड इन कॉलम बी यू हैव टू राइट can this change be reversed or not. Okay, so number one is the sawing of a piece of wood, that means wood ka kaate jana, ped mein hai ya wood ko kaate jana, to ye kaisa change hai, ye reversible change hai ya irreversible change hai. To ye irreversible change hai, isn't it, jab ek bar wood kat gaya to wapas to wo nahi jud sakta hai, to hamara answer kya ho jayega, no. Next hai The melting of ice candy. अब ice candy का melt होना, ये कौन सा change है, so this change is reversible. Okay, so your answer will be yes. Dissolving sugar in water.
तो ये कौन सा चेंज है, ये भी रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू, इजंट इट, यानी मतलब कि इवेपोरेशन के थ्रू हम इसको वापस शुगर में ला सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट है द कुकिंग ऑफ फूड. अब फूड का कुक होना ये कैसा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है? सो दिस चेंजेस ऑल्सो, दिस चेंजेस इरिवर्सिबल. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो. नेक्स्ट नंबर 5, द रैपनिंग ऑफ अ मैंगो. अब ये कौन सा चेंज है, मैंगो राइप हो गया, ओके, वापस वो क्या हो सकता है, वो रॉ तो नहीं हो सकता है ना, तो ये हम इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो. देन नंबर 6 इज सारिंग ऑफ मिल्क. अब मिल्क का क्या हो जाना, ख़राब हो जाना, तो यह भी कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो. क्वेश्चन 4, आर ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज. अब इधर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने एक ड्राइंग शीट में पिक्चर ड्रॉ करी है, तो क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? अब इसमें ये तो नहीं लिखा है कि ड्राइंग शीट में आपने पिक्चर पेंसिल से ड्रॉ करी है या पेन से ड्रॉ करी, इजंट इट. तो इसमें जो हम आंसर देंगे वो दोनों से देंगे, यानी कि पेंसिल का भी आंसर देंगे और पेन का भी आंसर देंगे. अगर पेंसिल से हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है, बाय इरेजिंग द ड्राइंग वी कैन अनडू द चेंज. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, वी कैन इरेज द ड्राइंग बाय यूजिंग एन इरेजर, देन इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. ओके, अगर हम पेंसिल से ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको हम इरेज कर देंगे और फिर हम ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ये चेंज हमारा रिवर्सिबल है. लेकिन अगर हम पेन से ड्रॉ कर रहे हैं तो इरेज तो होगा नहीं, तो वो चेंज हमारा क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल होगा. तो इफ़ वी ड्रॉ यूजिंग अ पेंसिल, वी कैन नॉट इरेज द ड्रॉइंग, देन दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, सो इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज. क्वेश्चन 5, give examples to explain the difference between changes that can or cannot be reversed. अब वो हमें examples देना है, जो change हो सकते हैं और जो change नहीं हो सकते उनके examples देना है. So number 1, examples of reversible change. तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि reverse हो सकती हैं, that is melting of ice into water. So by freezing the water we can obtain ice again. नेक्स्ट है फोल्डिंग अ पेपर, बाय अनफोल्डिंग इट वी कैन अनडू द चेंज. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट है हॉट मिल्क टू कोल्ड मिल्क, बाय बॉइलिंग मिल्क वी कैन मेक इट वॉर्म. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, लिखेंगे क्या एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. सो नंबर 1 इज बर्निंग ऑफ कैंडल. अब कैंडल को हम बर्न करेंगे तो कोई और चीज़ बन जाएगी, यानी कि ये कैंडल का साइज हमारा छोटा हो जाएगा. ठीक है, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, वापस क्रैकर्स तो नहीं बन सकता है. देन कटिंग ऑफ ट्रीज, एक बार ट्री कट हो गया तो वापस नहीं हो सकता है. सो ऑल दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंज. नाउ क्वेश्चन 6, अ थिक कोटिंग ऑफ अ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन अ फ्रैक्चर्ड बोन. इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज. कैन द चेंज इन POP बी रिवर्स्ड? अब जो है बैंडेज के लिए एक किसी का बोन फ्रैक्चर हो गई है और उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का बैंडेज लगाया गया है. ठीक है, तो क्या वो बैंडेज हुआ, क्योंकि बैंडेज में क्या होता है, थोड़ा सा वाटर डाल के उसको हार्ड किया जाता है प्लास्टर के लिए. अब पूछा क्या वापस से एज इट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या ये चेंज हो सकता है? सो द आंसर इज व्हेन वाटर इज एडेड टू POP इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज. तो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया, यानी कि थर्ड चीज़ बन गई है कोई. इट्स कॉम्पोजिशन चेंजेस एंड इज कन्वर्टेड इंटू अनदर सब्सटेंस. सिंस इट इज़ अ केमिकल चेंज सो इट कैन नॉट बी रिवर्स. तो जैसे ही POP में वाटर डालते हैं तो वह एक थर्ड सब्सटेंस नेक्स्ट सब्सटेंस बन जाता है. ओके, तो इसलिए ये वापस चेंज नहीं हो सकता है. तो ये जो चेंज है POP का, ये क्या है हमारा, इरिवर्सिबल चेंज है. ऑल राइट, सो इन दिस अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7, अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट. द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली. डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स्ड?
अब क्या हुआ, एक रात में एक सीमेंट का बैग ओपन रखा हुआ था, तो रात में क्या हुई, बारिश हुई, और जब सुबह हुआ तो ब्राइट सनशाइन हुई, तो क्या हुआ, उसमें सीमेंट तो हार्ड हो गया, इजंट इट। जब पानी पड़ता है तो क्या होता है, सीमेंट हार्ड हो जाता है, यानी कि एक दूसरा सब्सटेंस हमारा बन गया है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा हमारा, ड्यू टू वाटर सीमेंट हार्डन्स एंड इट्स कॉम्पोजिशन चेंजेस, सिंस इट इज़ अ केमिकल चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स। तो एक नया सब्सटेंस बन गया ना, सीमेंट हमारा हार्ड हो गया वाटर पड़ने पे, तो ये चेंज भी हमारा इरिवर्सिबल है, यानी कि रिवर्स नहीं हो सकता है। तो गाइस आज ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। या और इसका जो एक्सप्लेनेशन है चैप्टर का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो आप उसके भी थ्रू आप देख सकते हैं, चैप्टर को समझ सकते हैं। और साथ ही साथ ऊपर जो है विंडो में पॉपअप स्क्रीन में भी आप ये चैप्टर को आप देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।